आज हम फंजाई में हायर ग्रुप बेसिटियो माइकोटिना के एक मेंबर पक्सिनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। पक्सिनिया की इम्पोर्टेंस आपके लिए क्यों है? क्योंकि पक्सिनिया एक ऐसा जीनस है जो कि पैथोजेनिक है और ये रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। ये बिलोंग करता है बेसिडियो माइकोटिना को। बेसिडियो माइकोटिना का आप को कैरेक्टर्स मालूम है कि ये हायर फंजाई हैं। इसके अंदर आने वाले सारे फंजाई हायर फंजाई से तात्पर्य ये है कि वो सारे फंजाई जिनमें लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है लेकिन सेक्स ऑर्गन्स में बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। लाइफ साइकिल बहुत लंबी खींचती है लेकिन सेक्स ऑर्गन्स इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेप्टेट माइसीलियम होता है और या वो पैथोजेनिक फॉर्म में है या फ्लैशी फंजाई के फॉर्म में है, उनको हम बेसिडियो माइकोटिना के अंदर रखते हैं। पक्सिनिया की इम्पोर्टेंस के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। पक्सिनिया वो जीनस है जो कि जिसकी कई सारी स्पीसीज हैं और इसके अंदर आने वाले जितने भी रस्ट हैं इस बेसिडियो माइकोटिना के अंदर, वो 5000 से ज़्यादा ऐसे फंजाई हैं जो कि डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। पक्सिनिया उनमें से एक मेजर जीनस है जो कि हमारी क्रॉप्स में कई तरह के रस्ट कॉज करता है। और पक्सिनिया की जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो बाजरा में, वीट में, उसके अलावा पीनट्स में और ओट्स में और साथ में कॉर्न में या बहुत सारे और हमारी क्रॉप्स में इनका अटैक होता है। और ऐसे सारे फंजाई जो कि अटैक करते हैं प्लांट्स में और उसमें डिजीज कॉज करते हैं, उनको हम पैरासाइट के अलावा उनको पैथोजेंस भी कहते हैं। तो पैथोजेन के तौर पर पक्सिनिया की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमने पहले डिस्कस किया था कि फंजाई की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उनके बेनिफिशियल आस्पेक्ट्स को लेकर भी और उनके नेगेटिव आस्पेक्ट्स को लेकर भी। तो पक्सिनिया की इम्पोर्टेंस नेगेटिव आस्पेक्ट्स को लेके ये है कि हमारी ये पूरी क्रॉप की क्रॉप इससे डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसका अटैक अगर हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इसमें पांच तरह के, इसके लाइफ साइकिल में पांच तरह के स्पोर्स बनते हैं। लेकिन पक्सिनिया की कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि पांच स्टेजेस में पूरी होती हैं, कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो कि जिसमें कि इतनी पांच स्टेजेस नहीं बनती हैं। उन रस्ट्स को जो डिजीज कॉज करते हैं उन रस्ट्स को हम कहते हैं ऑटोशियस रस्ट्स। ऑटोशियस रस्ट्स वो रस्ट्स हैं जो रस्ट डिजीज कॉज करते हैं लेकिन एक ही होस्ट उनका होता है। इसके कंट्रास्ट में हेट्रोशियस रस्ट्स हैं, वो ऐसी फंजाई हैं जो कि रस्ट डिजीज कॉज करती हैं लेकिन उनको दो होस्ट की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। एक प्राइमरी होस्ट होता है और दूसरा जो होस्ट होता है वो अल्टरनेट होस्ट होता है। तो पक्सिनिया की जिस जीनस को हम देखने जा रहे हैं या जिस स्पीसीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, ये पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, ये एक स्पीसीज है पक्सिनिया की जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और हमारे वीट क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई ये वीट में अटैक करता है, इसका प्राइमरी होस्ट वीट है। लेकिन पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई के अलावा हमें ये बताना भी जानना ज़रूरी है कि पक्सिनिया की कई सारी और भी स्पीसीज हैं, जैसे पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। पक्सिनिया रिकॉन्डिटा पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस ये पक्सिनिया रिकॉन्डिटा जो है ये ब्राउन रस्ट कॉज करता है। इसको कॉमनली हम ब्राउन रस्ट कहते हैं, ब्राउन पस्टूल्स बनाता है। वीट में ही इसका होस्ट है। इसके अलावा पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस जो है ये भी, इसका भी होस्ट वीट ही है लेकिन ये येलो कलर के
की रस्ट डिजीज कॉज करता है। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमेशा जो डिजीज कॉज करता है वो ब्लैक रस्ट डिजीज है, वीट की ब्लैक रस्ट डिजीज है। तो पक्सिनिया की तीन स्पीसीज यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको बताया जा रहा है कि ब्लैक रस्ट डिजीज सबसे ज्यादा कॉमन है, इसके अलावा येलो रस्ट डिजीज पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस से, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा से ब्राउन रस्ट डिजीज होती है। और इसके अलावा पक्सिनिया की और सारी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो जो अलग अलग क्रॉप्स में अटैक करती हैं, जैसे कि बाजरा में और इवन पीनट्स में। पीनट्स में अटैक करने वाली एक स्पीसीज ऐसी है अराकिडिस, पक्सिनिया अराकिडिस। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि ये पक्सिनिया की ये स्पीसीज ब्लैक रस्ट या येलो रस्ट या ब्राउन रस्ट हमेशा वीट में अटैक करता है, लेकिन पक्सिनिया की ये स्पीसीज अराकिडिस जो है ये पीनट्स में अटैक करती है। दिस इज द ओनली स्पीसीज ऑफ पक्सिनिया विच अटैक्स लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट में ये अटैक करती है। पक्सिनिया हॉर्डियाई, पक्सिनिया सॉर्गाई और भी कई स्पीसीज ऐसी हैं जो अलग अलग कॉर्न में या बाजरा में अटैक करती हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे इस जीनस का, इट बिलोंग्स टू किंगडम माइकोटा, सब डिविजन यू माइकोटा, बेसिडियो माइकोटिना, टीलियोमाइसिटीज, यूरेडिनेल्स, पक्सिनियसी एंड पक्सिनिया। ये क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर मेंशन किया है ये आइंसवर्थ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, जिसमें किंगडम माइकोटा के अंदर ये डिवीजन यू माइकोटा रखा गया है। यू माइकोटा के अंदर जो सब डिवीजन है वो बेसिडियो माइकोटिना है, बेसिडियो माइकोटिना के अंदर ये क्लास टीलियोमाइसिटीज रखा गया है, टीलियोमाइसिटीज के अंदर यूरेडिनेल्स ऑर्डर है, यूरेडिनेल्स के बाद पक्सिनियसी फैमिली और पक्सिनिया। अलग अलग किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लासिफिकेशन के अलावा भी और कुछ क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे इसी जीनस के, वो क्लासिफिकेशन भी अपने आप में बिल्कुल सही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि अलग अलग टेक्सोनोमिस्ट, फंगल टेक्सोनोमिस्ट ने अलग अलग क्राइटेरिया लेके क्लासिफिकेशन को थोड़ा एक दूसरे से चेंज किया हुआ है। तो ये आइंसवर्थ के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है जो कि पक्सिनिया में इस तरह से दिखाया गया है। इसमें जो टीलियोमाइसिटीज या बेसिडियो माइकोटिना का कैरेक्टर है, बेसिडियो माइकोटिना में कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके केस में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियम की प्रेजेंस की वजह से इसको सब डिविजन बेसिडियो माइकोटिना में रखा गया है पक्सिनिया को। तो वो सारे फंजाई जिनमें बेसिडियम एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है और ये बेसिडियम अल्टीमेटली बेसिडियोस्पोर्स बनाता है, वो सारे फंजाई को हम बेसिडियो माइकोटिना में रखते हैं। इसके बाद टीलियोमाइसिटीज जो क्लास है ये पक्सिनिया जिसमें आता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें स्पोर्स बनते हैं, टीलियोटोस्पोर्स बनते हैं, यूरेडोस्पोर्स बनते हैं, लेकिन बेसिडियो कार्प या फ्रूटिंग बॉडी हमेशा एब्सेंट होती है। तो यही एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पक्सिनिया का, और इसके अंदर आने वाले टीलियोमाइसिटीज के अंदर आने वाले जितने भी फंजाई हैं इंक्लूडिंग पक्सिनिया, दे आर मोस्टली पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक। कुछ इसमें सेप्रोफिटिक हैं लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर आने वाले फंजाई पैथोजेनिक हैं, एंड दे कॉज वेरी दे आर डिस्ट्रक्टिव
पैरासाइट्स हमारी क्रॉप को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब के जो डायग्राम के द्वारा मैं आपको स्लाइड से इनको बाद में समझाऊंगी, इससे पहले जानने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये उन हर जगह पर आपको पक्सीनिया दिखाई पड़ेगा जहाँ पर हमारी क्रॉप ग्रो हो रही होगी। अलग अलग स्पीसीज अलग अलग क्रॉप्स में अटैक करती हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। वीट की ग्रोथ सब जगह होती है, वीट की क्रॉप सब जगह होती है, उसमें जब भी इसका अटैक होता है तो ये डिजीज के फॉर्म में हमें वीट की लीव्स में, स्टेम्स में, सबसे पहले स्टेम्स में, उसके बाद लीव्स में इसके पस्टूल्स दिखाई पड़ते हैं। जो डिजीज अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रस्ट लाइक पस्टूल्स ऑन द स्टेम एंड ऑल्सो ऑन द लीव्स। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात जानने की यह है कि पक्सीनिया के केस में 5 तरह के स्पोर्स बनते हैं। इसका मतलब यह है कि ये मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है। मैक्रोसाइक्लिक एक टर्म है जिसका मतलब है कि लाइफ साइकिल इसकी बहुत लंबी होती है। मैक्रोसाइक्लिक दो, एक टर्म मैक्रोसाइक्लिक है, एक माइक्रोसाइक्लिक है। मैक्रोसाइक्लिक का मतलब है जब लाइफ साइकिल में 5 स्टेजेस होंगी तो पूरी लाइफ साइकिल बहुत लंबी चलेगी। लंबी चलने की वजह से इसको हमने मैक्रोसाइक्लिक रस्ट कहा है। दूसरा टर्म पक्सीनिया के केस में जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पक्सीनिया इज ए हेटरोशियस रस्ट। हेटरोशियस का मतलब है कि इसमें दो तरह के होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट, एक ऑल्टरनेट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट। तो पक्सीनिया का जब भी हम जिक्र करते हैं, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई जिसका एग्जांपल देके हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्पीसीज में पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई में प्राइमरी होस्ट ये हेटरोशियस है, मैक्रोसाइक्लिक है, प्राइमरी होस्ट इसका वीट है और ऑल्टरनेट होस्ट इसका बारबेरिस वुलगेरिस है जो कि एक बुशी प्लांट है। उसमें इसके दो तरह के स्पोर्स या 3 तरह के स्पोर्स उस बुशी प्लांट में बारबेरिस में बनते हैं और 2 मेजर स्पोर्स यूरेटोस्पोर्स एंड टीलियोटोस्पोर्स जो हैं वो वीट के प्लांट में बनते हैं। माइसीलियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। माइसीलियम इसमें हमेशा वेल डेवलप्ड सेप्टेट माइसीलियम होता है। आपने पहले इसको पढ़ा है कि जैसे जैसे हम हायर फंजाई की तरफ जाते हैं माइसीलियम सिनोसिटिक ना होके ये सेप्टेट माइसीलियम होता है और ये सेप्टेट माइसीलियम भी 2 तरह का या 3 तरह का पक्सीनिया के केस में देखा जाता है। प्राइमरी माइसीलियम हमेशा हर सेप्टम के अंदर हर कंपार्टमेंट इसका यूनि न्यूक्लिएट होता है। इसके बाद जो मेथड्स रिप्रोडक्शन के हैं या जो मेथड्स रिप्रोडक्शन के आपने पहले पढ़े हैं सोमेटोगेमी या स्पर्मेटाइजेशन या कई तरह के मेथड से, ये जो यूनि न्यूक्लिएट कंपार्टमेंट्स हैं ये डायकैरियोटिक कंपार्टमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब क्या है कि एक हाइफा यूनि न्यूक्लिएट हाइफा है, दूसरा हाइफा और इसके आसपास अगर होगा तो ये दोनों नॉन सिस्टर हाइफी हैं, ये आपस में सोमेटोगेमी की वजह से इसका न्यूक्लियस ही जुड़ जाते हैं आपस में और इस प्रोसेस की वजह से ये बाई न्यूक्लियट कंडीशन इसमें हो जाती है। तो इसका न्यूक्लियस इसमें आ गया, ये जब आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर हायर फंजाई का है कि उसमें कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते। सोमेटोगेमी की प्रोसेस से ही या स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस से ही यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो है वो बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर इसमें ये इस सेल के अंदर 2 नॉन सिस्टर न्यूक्लियाई हो गए, आसानी के लिए इनको 2 अलग अलग कलर से मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये जो है ये इस हाइफा से आया हुआ न्यूक्लियस है और ये ब्लू कलर का जो न्यूक्लियस है वो इस प्लस, इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए हम प्लस कह दे रहे हैं, इसको माइनस कह रहे हैं। तो ये माइनस हाइफा से आया हुआ न्यूक्लियस है, ये प्लस हाइफा से आया हुआ न्यूक्लियस है और सोमेटोगेमी के थ्रू
ये इस सेल के अंदर दो नॉन सिस्टर न्यूक्लियाई आपस में आ गए हैं। अब ये दो नॉन सिस्टर न्यूक्लियाई दे कीप डिवाइडिंग, इनमें डिवीजन होता रहता है, डिवीजन होने से ये दो में डिवाइड हो गया, ये भी दो में डिवाइड हो गया, इसमें से एक अगले वाले कंपार्टमेंट में चला जाता है और ये प्रोसेस होती रहती है, जिससे कि पूरा का पूरा माइसीलियम जो है वो डाइकैरियोटिक हो जाता है, इसमें दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं। तो प्राइमरी माइसीलियम जो है मोनोकैरियोटिक है, इसके बाद सेकेंडरी माइसीलियम जो बनता है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम हो जाता है, जिसमें हर कंपार्टमेंट में जो न्यूक्लियाई हैं वो दो नॉन सिस्टर न्यूक्लियाई हैं और डाइकैरियोटिक कंडीशन इसमें होगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। शुरू शुरू में माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है, बाद में डाइकैरियोटिक हो जाता है। जब डाइकैरियोटिक माइसीलियम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इसको बहुत फेवरेबल मिलती हैं तो इसका परपेचुएशन बहुत फास्ट होता है, और फास्ट होने से कई सारे हाइफी बन जाते हैं, दे पेनिट्रेट द होस्ट प्लांट, इसमें ये होस्ट प्लांट के अंदर ही इनकी ग्रोथ होती रहती है। तो ये होस्ट के अंदर कैसे आ जाता है ये जानने के लिए हमें इसकी पूरी लाइफ साइकिल को देखना होगा कि ये हाइफा, हमने कहा कि ये पैथोजेनिक है और ये हमेशा सर्वाइव करता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो कि हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है। तो ये हाइफा जो ग्रो कर रहा है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में कहाँ से आ गया, ये जानने के लिए हमें पांचों जो इसमें स्पोर्स हैं उनके बारे में जानना होगा। तो ये पांच तरह के जो स्पोर्स होते हैं, सबसे पहले जो पहले स्पोर्स हैं दे आर यूरेडोस्पोर्स, यूरेडोस्पोर्स। नंबर टू टीलियोटोस्पोर्स, थर्ड बेसिडियोस्पोर्स, फोर्थ पिकनिडियोस्पोर्स, और फिफ्थ जो है दे आर कॉल्ड एसिडियोस्पोर्स। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है इसका कि एक फंगस है उसमें इतने तरह के स्पोर्स बनते हैं, और इन हर स्पोर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इनमें से जो यूरेडोस्पोर्स और टीलियोटोस्पोर्स हैं, हमने इसको डिस्कस किया था कि ये हेट्रोशियस रस्ट है, इट रिक्वायर्स टू होस्ट, प्राइमरी होस्ट और ऑल्टरनेट होस्ट। तो हमेशा यूरेडोस्पोर्स और टीलियोटोस्पोर्स हमेशा वीट के प्लांट में ही मिलेंगे। और इसमें से यूरेडोस्पोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, जब ये यूरेडोस्पोर्स बनते हैं ये बहुत लार्ज नंबर में बनते हैं वीट के प्लांट में, और लार्ज नंबर में बनने के बाद जब ये डिटैच हो जाते हैं पेरेंट स्टॉक से, ये फिर से जर्मिनेट करके नई जो क्रॉप है उसमें इन्फेक्ट करते हैं। तो इनका रोल क्या है यूरेडोस्पोर्स का, दे परपेचुएट द डिजीज, ये वीट में लगातार इन्फेक्शन करके पूरी की पूरी क्रॉप को खराब कर देते हैं। तो यूरेडोस्पोर्स एक तरह के परपेचुएशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। टीलियोटोस्पोर्स जो हैं ये दूसरे तरह के स्पोर्स हैं जो कि बाईसेल्ड होते हैं। यूरेडोस्पोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो डायग्राम में आप बाद में देखेंगे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक आउटर लेयर है एक इनर लेयर है, और आउटर लेयर थोड़ी सी इकाइन्यूलेट होती है, इकाइन्यूलेट का मतलब है एक्साइन और इंटाइन इसमें है, बाहरी जो लेयर है ये ऑर्नामेंटेड है। क्योंकि माइसीलियम बाद में डाइकैरियोटिक हो जाता है तो इसके अंदर भी जो न्यूक्लियाई हैं, दो न्यूक्लियाई इसके अंदर होते हैं, ये यूरेडोस्पोर्स इस तरह के स्पोर्स होते हैं, और ये लार्ज नंबर में यूरेडोस्पोर्स बनते हैं एक बंच के फॉर्म में। और यूरेडोसोराई जब हाइफा के अंदर से ये निकलते हैं तो इनके लॉन्ग स्टॉक्स आपको दिखाई पड़ते हैं, इनके ऊपर ये यूरेडोस्पोर्स लगे हुए लीफ के बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, या स्टेम के बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। हर एक बाई न्यूक्लिएटेड होता है, दो लेयर्स की थिक वॉल इसमें होती है, बाहर की वॉल जो है एक्साइन, अंदर की इंटाइन, और बाहर की इकाइन्यूलेट होती है। इसके कंट्रास्ट में टीलियोटोस्पोर्स जो हैं ये सेकेंड स्टेज के स्पोर्स हैं। यूरेडोस्पोर्स कई साइकिल कंप्लीट करने के बाद, जिस समय इन्फेक्शन होता है उसके बाद एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, समर सीजन के एंड में, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग
यूरेटोस्पोर्स, ये फंगस के माइसीलियम यूरेटोस्पोर्स के बदले टीलोटोस्पोर्स बनाना शुरू करते हैं, वो भी लॉन्ग स्टॉक इसमें होता है। लेकिन ये जो इसका स्ट्रक्चर है बाईसेल्ड स्ट्रक्चर है, थिक वॉल्ड बाईसेल्ड स्ट्रक्चर, शुरू में हर एक में दो दो न्यूक्लियाई होते हैं। बाईसेल्ड का मतलब है कि इलोंगेटेड ये स्पोर्स हैं, ये इससे फर्क आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन बनते हैं। और यूरेटोस्पोर्स का काम सिर्फ डिजीज को परपिचुएट करना है, लेकिन जब डिजीज कम होने लगती है एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, यूरेटोस्पोर्स के बदले ये टीलुटोस्पोर्स बनते हैं। और ये टीलुटोस्पोर्स बाईसेल्ड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हैं, जिनकी जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, और ब्लैक कलर के जब होते हैं तो डिजीज उस समय लीफ में या स्टेम में लॉन्ग ब्लैक पस्टूल्स के फॉर्म में आ जाती है। और इन ब्लैक पस्टूल्स के थ्रू अगर आप सेक्शन काटेंगे तो आपको इस तरह के टीलुटोस्पोर्स दिखाई पड़ेंगे। और हमेशा याद रखने की बात है कि फर्स्ट बीच में यूरेटोस्पोर्स बनते हैं, एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन टीलुटोस्पोर्स बनते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, दे आर बाईसेलुलर, इसमें दो सेल हैं, इसमें सिंगल सेल है, ये बाईसेल्ड स्ट्रक्चर है, हर सेल में दो न्यूक्लियाई हैं। लेकिन बाद की स्टेज में ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने के बाद आपको लेटर स्टेज के जो टीलुटोस्पोर्स होंगे वो यूनी न्यूक्लियर दिखाई पड़ेंगे, और हर सेल के अंदर ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये दो न्यूक्लियाई इसमें फ्यूज कर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस फंगस में कैरियोगेमी हमेशा टीलुटोस्पोर फॉर्मेशन के सामने के साथ होती है। आपको मालूम है कि हायर फंजाई में कैरियोगेमी इज ऑलवेज डिलेड, लाइफ साइकिल में कैरियोगेमी बहुत जल्दी नहीं होती है, लेकिन इसकी पूरी लाइफ साइकिल में यूरेटोस्पोर्स के बाद टीलुटोस्पोर्स बनने में ये दिस इज द ओनली स्टेज जबकि ये दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब क्या होता है कि ये जो टीलुटोस्पोर्स हैं ये वीट के प्लांट में उस सीजन में होते हैं जबकि ग्रोइंग सीजन खत्म होने लगता है, और ग्रोइंग सीजन खत्म हो गया तो टीलुटोस्पोर्स मैच्योर होने के बाद नीचे गिर जाते हैं और उसके जो फॉलन लीव्स हैं उनके ऊपर डॉर्मेंट हालत में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, पूरा दे ओवर विंटर, पूरी विंटर भर ये उसी में पड़े रहते हैं, जर्मिनेट नहीं करते। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ये टीलुटोस्पोर्स इतने रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हैं, बहुत थिक वॉल होने की वजह से ये जब जर्मिनेट करते हैं तो जर्मिनेशन के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनके जर्मिनेशन से ये टीलुटोस्पोर्स हैं, इसका जर्मिनेशन से एक लॉन्ग स्ट्रक्चर ये जर्म ट्यूब बनाती है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मियोसिस यहाँ पर हो जाती है, मियोसिस होने के न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस हो जाएगी और चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई यहाँ बन जाते हैं। ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर इसके जर्मिनेशन से बनता है टीलुटोस्पोर्स के, इसको हम कहते हैं प्रोबेसिडियम, प्रोबेसिडियम कहते हैं। और इसके अंदर जो न्यूक्लियाई है मियोसिस होने की वजह से ये चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए। तो लाइफ साइकिल धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है और ये जो मियोसिस होने से चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए हैं, ये इनके बीच में सेप्टा डेवलप हो जाते हैं। तो ईच सेप्टम कंटेन्स ओनली वन हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो ये बना है इससे एक आउटग्रोथ डेवलप होती है बाहर की तरफ, यूं आउटग्रोथ डेवलप हो गई और इसके अंदर ये न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है। इसके कई सारे डायग्राम आप स्लाइड के माध्यम से भी देखेंगे, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में डायग्राम से बता रही हूँ, डिटेल में आप इसको स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। तो ये मियोसिस होने के बाद सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइग्रेट्स टू दिस आउटग्रोथ, और ये जो आउटग्रोथ बनी है इनको हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर। तो जो थर्ड नंबर के ये बेसिडियोस्पोर हैं ये कैसे बन गए, ये टीलुटोस्पोर में कैरियोगेमी होने के बाद, फिर मियोसिस होने के बाद, लंबे टाइम तक डोमेंसी के बाद, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस जब आ जाती है फेवरेबल कंडीशंस, उसके बाद टीलुटोस्पोर्स के जर्मिनेशन से प्रोबेसिडियम बना, प्रोबेसिडियम में बनने में मियोसिस हो गई और हर कंपार्टमेंट में एक एक बेसिडियोस्पोर आ गया। और ये बेसिडियोस्पोर, अब यहाँ पर आपको याद रखने की बात है कि हर बेसिडियोस्पोर यूनिन्यूक्लिएट होता है,
एक न्यूक्लियस है इसके अंदर, अनलाइक यूरेटोस्पोर्स एंड टीलियोटोस्पोर्स। यूरेटोस्पोर्स और टीलियोटोस्पोर में बाई न्यूक्लियट स्टेज थी, ये यूनि न्यूक्लियट है स्ट्रक्चर है। इनको ये इससे डिटैच हो गए तो ये दिस इज ए बेसिडियोस्पोर, थिन वॉल्ड बेसिडियोस्पोर। अब ये बेसिडियोस्पोर दे कैन नॉट इन्फेक्ट। ये एक नेचर का बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है कि बेसिडियोस्पोर्स कैन नॉट इन्वेड वीट प्लांट। ये कभी भी वीट के प्लांट को इन्वेड नहीं कर सकते। दे रिक्वायर एन ऑल्टरनेट होस्ट, एक ऑल्टरनेट होस्ट की जरूरत है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई की हम बात कर रहे हैं तो इनको जर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि सीजन बदल चुका होता है और ये हवा के थ्रू, हवा के माध्यम से या विंड जब होती हैं या किसी इंसेक्ट के माध्यम से जो अपने पैरों में इसको यहाँ पर इनको ले जाता है, ये बारबेरिस की बुश के ऊपर इन्वेड करते हैं और ये जर्मिनेट करते हैं। अब बारबेरिस बिल्कुल डिफरेंट प्लांट है, वीट से बिल्कुल फर्क स्ट्रक्चर है, हिल एरिया में मिलता है। इसके लीफ में जब इन्वेजन इसका बेसिडियोस्पोर का होगा तो ये यहाँ पर अटैच कर जाएगा एंड इट विल सेंड ए जर्म ट्यूब। इसके टिश्यूज में ये एक जर्म ट्यूब भेजता है और ये जर्म ट्यूब बाहर निकल ग्रो करके इसके सेल्स के अंदर माइसीलियम बना देती है। तो ये सेल्स के अंदर इन्वेट करके होस्टोरिया डेवलप करके एक मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बना देगी। आई एम सेइंग मोनोकैरियोटिक क्यों, क्योंकि ये मोनोकैरियोटिक ही इससे बनेगा क्योंकि एक सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर है। तो जो भी माइसीलियम इसके अंदर डेवलप होता है, ये इसको डिटेल में अगर आप देखेंगे तो ये माइसीलियम हमेशा सिंगल यूनि न्यूक्लियट स्पोर के जर्मिनेशन से, ये माइसीलियम को डिटेल में यहाँ दिखा रही हूँ, तो ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा। और ये मोनोकैरियोटिक माइसीलिया कई बार एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आके और या दूसरे तरह तरह से ये आपस में एनास्टोमोसिस की प्रोसेस से डाइकैरियोटिक स्टेज में आ जाते हैं स्लोली, नॉट इन द बिगनिंग बट आफ्टर सम टाइम ये डाइकैरियोटाइजेशन इसमें हो जाता है। लेकिन जब इसका बेसिडियोस्पोर का इसमें इन्वेजन होता है बारबेरिस की लीफ में, दो और तरह के स्पोर्स बनते हैं। और दो और तरह के स्पोर्स क्या हैं, पिकनिडियोस्पोर्स एंड एसिडियोस्पोर्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है कि पक्सिनिया में बारबेरिस की लीफ में बेसिडियम के जर्मिनेशन से जो दो तरह के पस्चूल्स बनते हैं या दो तरह के डिजीज अपीयर होती है बाहर की तरफ, तो वो अपर सरफेस में पिकनिडियोस्पोर्स बनते हैं, लोअर सरफेस में एसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो इसको देखने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए डायग्राम बनाने के लिए। आपको स्लाइड के माध्यम से ये अभी मैं दिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ जानने के लिए आपको ये देखना है कि लीफ अगर इसकी बारबेरिस की है तो ऊपर की तरफ जो होगा इस तरह के पस्चूल्स बन जाते हैं जिसमें लॉन्ग फिलामेंट्स डेवलप हो जाते हैं इसके हाइफा के जर्मिनेशन से। ये जो पस्चूल्स हैं इनके टिप में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं पिकनिडियो स्पोर्स। ये अपर सरफेस में ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और इसी का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आप काटेंगे लोअर सरफेस में आपको दूसरे तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ सब माइसीलियम स्प्रेड हो रहा है, माइसीलियम पूरा स्प्रेड हो रहा है। कुछ माइसीलियम यहाँ एग्रीगेट हो जाता है, कुछ माइसीलियम ने मिलके ये पिकनिडियल कप बनाए, लोअर साइड की तरफ एसिडियल कप। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम, जो पस्चूल दिखाई पड़ता है इसको हम एसिडियल कप कहते हैं, एसिडियल कप, एंड दिस इज द पिकनिडियल कप। पिकनिडियल कप विल गिव राइज टू पिकनिडियोस्पोर्स, जो कि बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं। और ये पिकनिडियोस्पोर्स का काम क्या है, स्पर्मेशिया की तरह से काम करते हैं, डाइकैरियोटाइजेशन में मदद करते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि स्पर्मेटाइजेशन से क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जब डिटैच हो गए तो ये ऐसे हाइफी को जो माइनस स्ट्रेन के हाइफी हैं, रिसेप्टिव हाइफी, उनके साथ फ्यूज करके डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम धीरे धीरे डाइकैरियोटिक होने लगता है। जब डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया,
ये सारा माइसीलिया नीचे की तरफ माइग्रेट करते हैं और नीचे की तरफ एग्रीगेट होके एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम एसिडियल कप कहते हैं। और एसिडियल कप में ये इस जगह पर आपको एसिडिया दिखाई पड़ेंगे बेसिपिटल सक्सेशन में, इस तरह के ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। और जब ये एसिडियल कप्स पूरे मैच्योर हो जाते हैं तो ये एपिडर्मिस बस्ट हो जाती है और बाहर की तरफ आपको ऑरेंज कलर के ये एसिडियोस्पोर्स दिखाई पड़ते हैं। हर एसिडियोस्पोर बाईसेल्ड बाईन्यूक्लिएटेड है क्योंकि माइसीलियम डाइकैरियोटिक हो गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, अगर इसकी लाइफ साइकिल को हम देखेंगे, दो तरह के स्टेज यूरेटोस्पोर्स टीलियोटोस्पोर्स आर ऑलवेज बॉर्न इन वीट प्लांट, जबकि बेसिडियोस्पोर्स उसमें जर्मिनेट होने के बाद दे रिक्वायर एन ऑल्टरनेट होस्ट बारबेरिस वुलगेरिस। बारबेरिस वुलगेरिस के अंदर आने के बाद पहले ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाता है, लेकिन ये स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस या एनास्टोमोसिस की वजह से डाइकैरियोटिक स्टेज इसमें बन जाएगी। डाइकैरियोटिक स्टेज होने के बाद ये एक्यूमुलेट, सारे माइसीलिया यहाँ एक्यूमुलेट होते हैं और एक बल्जिंग स्टेज यहाँ पर दिखाई पड़ती है, हमें बल्जिंग स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जिसको हमने एसिडियल कप कहा ऑरेंज कलर का, और ये इट विल गिव राइज टू एसिडियोस्पोर्स। एसिडियोस्पोर्स हमेशा बेसिपिटल सक्सेशन में लगे हुए होते हैं और हर एसिडियोस्पोर अगर ये जब डिटैच हो गए, बेसिपिटल सक्सेशन का मतलब क्या है, सबसे छोटा इधर होगा सबसे बड़ा बाहर की तरफ होगा, और ये जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ये बाहर निकल के आते हैं, और ये बाहर निकलने के आने के बाद दे अगेन इन्वेड वीट प्लांट। तो याद रखने की बात है कि बेसिडियोस्पोर्स दे ऑलवेज रिक्वायर बारबेरिस प्लांट टू इन्वेड एंड डेवलप, एंड एसिडियोस्पोर्स जो है होते हैं ये कभी भी बारबेरिस को इन्वेड नहीं करते बल्कि दे रिक्वायर वीट प्लांट, एंड वीट प्लांट में जाने के बाद ये अगर एसिडियोस्पोर है बाई न्यूक्लिएटेड, ये जब जर्मिनेट करता है वीट प्लांट उस समय तक ये स्टेम है, स्टेम में अगर इसका इन्वेजन होगा तो एक ये हाइफा जर्मिनेटिंग ट्यूब बनाएगा और इसके अंदर ये पेनिट्रेट करके होस्टोरिया के थ्रू, होस्टोरिया आपको मालूम है एक ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट हैं इन्वेजन के लिए, अपना फूड इसके प्रोटोप्लाज्म से लेते हैं और यहाँ ये होस्टोरिया से फूड लेके सारे में माइसीलियम फैला देते हैं, क्योंकि ये बाई न्यूक्लिएटेड हैं तो ये न्यूक्लियाई डिवाइड करके जो माइसीलियम इसके अंदर बनाएंगे वो हमेशा डाइकैरियोटिक माइसीलियम होगा, और फिर ये साइकिल रिपीट होता है। जब ये वीट के केस में इसका इन्वेजन हो गया तो ये क्या करता है कि मैच्योर होने के बाद इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग यूरेटोस्पोर्स एंड डिजीज अपीयर्स ऑन द सर्फेस ऑफ स्टेम एंड लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन पस्टूल्स और ब्लैक पस्टूल्स, जिसकी वजह से इसको हम ब्लैक रस्ट डिजीज कहते हैं। एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन इंस्टेड ऑफ यूरेटोस्पोर्स टीलियोटोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, और तब ये डिजीज और ज्यादा अपीयर होती है। इस तरह से पूरा इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसमें चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पक्सिनिया एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है, हेट्रोशियस रस्ट है जो कि जिसमें कि दो इसको होस्ट की जरूरत होती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट हमने इसलिए कहा कि ये पैरासाइट की तरह से रहता है, इसको हमेशा कोई लाइव प्लांट चाहिए जिसके अंदर इसका ये सेप्रोफिटिक की तरह से नहीं रह सकता है। और इसमें पांच तरह के स्पोर्स बनते हैं जो कि जिसमें से कि दो तरह के स्पोर्स बीच में होते हैं और तीन तरह के स्पोर्स इसमें इसके बारबेरिस में बनते हैं। ये टिपिकल पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई है, लेकिन ऐसा सारी पक्सिनिया की स्पीसीज में नहीं है। हमने इतने स्पीसीज का जिक्र किया, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सिनिया आर्किडिस। तो पक्सिनिया आर्किडिस के केस में आपने एक इंटरेस्टिंग बात है कि अकेला ऐसा पक्सिनिया की स्पीसीज है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में अटैक करती है और उसमें रस डिजीज कॉज करती है। और भी कई सारी स्पीसीज हैं जो अलग अलग हमारी क्रॉप्स में डिजीज कॉज करती हैं। पक्सिनिया की लाइफ साइकिल समझने के बाद इस स्लाइड्स के द्वारा और इसमें आए हुए चित्रों के द्वारा
या पिक्चर्स के द्वारा आपको पक्सिनिया की पूरी लाइफ साइकिल समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो पहली स्लाइड इसमें जो है ये दिखा रही है कि किस तरह के पस्टूल्स प्लांट में बन जाते हैं जब पक्सिनिया का अटैक हो जाता है। आपको मालूम है ये रस्ट फंगस है और बहुत सारी इसकी स्पीसीज नोन है, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये सब आप जानते हैं। हेट्रोशियस रस्ट है, दो होस्ट की ज़रूरत है, और अगर बीच में इसका इन्फेक्शन होगा अर्ली स्टेजेस में तो इस तरह के पस्टूल्स जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं स्टेम्स में इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद ये दूसरी पिक्चर शो करती है कि माइसीलियम जब इसका होस्ट में इन्वेट करता है तो किस तरह से ये हॉस्टोरिया डेवलप करता है। इंटरसेलुलर माइसीलियम है, सेप्टेड माइसीलियम है, और शुरू में एसेप्टेड दिखाई पड़ता है लेकिन बाद में सेप्टा डेवलप हो जाते हैं। और ये जहाँ पर भी इन्वेजन इसका होता है ये ऑर्गन एब्जॉर्प्शन के लिए ऑर्गन्स बनाता है जिनको हम हॉस्टोरिया कहते हैं, प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके, और इसके प्रोटोप्लाज्म से अपना फूड लेता है। माइसीलियम शुरू में मोनोकैरियोटिक होता है, बाद में सेकेंडरी माइसीलियम बन जाता है जो कि डाइकैरियोटिक है। अब हम पक्सिनिया ग्रैमिनिस का हमने एग्जांपल जो लिया था वो पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिट्रिसाई लिया था जो कि वीट के प्लांट में इसकी ये पैरासाइट है, और बारबेरिस इसका ऑल्टरनेट होस्ट है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल इसकी फाइव स्टेजेस जो आप पहले भी देख चुके हैं, पांच स्टेजेस से गुजरती है। यूरेडिनियल स्टेज, टीलियल स्टेज, बेसिडियल स्टेज, पिकनीडियल स्टेज, और एशियल या एसिडियल स्टेज भी कहते हैं। पिकनीडियल स्टेज का सिनोनिम स्पर्मोगोनियल स्टेज भी कुछ किताबों में आपको दिखाई पड़ेगा, वो और पिकनीडियल स्टेज एक ही बात है। ये जो येलो ब्लॉक है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरेडोस्पोर्स जो हैं या यूरेडिनोस्पोर्स भी कुछ लोग कहते हैं इसको, इनका प्रोडक्शन जब होता है तो इनका इन्फेक्शन प्राइमरी होस्ट में होता है जब कंडीशंस फेवरेबल होती है। टीलियोटोस्पोर्स जो होते हैं सीजन के एंड में बनते हैं और ओवर विंटर करते हैं डेड लीव्स में, और बाद में बेसिडियोस्पोर्स स्प्रिंग सीजन में बनाते हैं और फिर से ऑल्टरनेट होस्ट में इनका इन्वेजन होता है। फिर टीलोटोस्पोर्स जो ब्लैक बोर्ड में आपने समझा था कि टीलोटोस्पोर्स के जर्मिनेशन से बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स यूनि न्यूक्लिएटेड स्पोर्स हैं जो कि ऑल्टरनेट होस्ट की जिनको ज़रूरत होती है, और ऑल्टरनेट होस्ट जो है इसमें बारबेरिस वुलगैरिस है, उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन से जो माइसीलियम बनता है वो बाद में डाइकैरियोटिक माइसीलियम हो जाता है। तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस की जो फर्स्ट स्टेज है यूरेडिनियल स्टेज, ये रस्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज या रस्ट स्टेज इसको कहते हैं। इस पस्टूल को जो ये स्टेम में और लीव्स में डिजीज अपीयर होती है इस पस्टूल को हम कहते हैं यूरेडिनियम, और ये मैच्योरिटी होने के बाद इसके अंदर से यूरेडोस्पोर्स बस्ट कर जाते हैं और बाहर निकल के आते हैं। यूरेडोस्पोर्स जो होते हैं ये बाइन्यूक्लिएट हैं, और ये एक रेड रस्ट की तरह से अपीयरेंस इनकी होती है, और ये वीट प्लांट में ही फिर से जर्मिनेट करते हैं। इस तरह से ये डिजीज़ को और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, परपिचुएशन ऑफ डिजीज़ में इनकी ये हेल्प इनसे होती है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई पड़ रही है ये क्लियर पिक्चर है यूरेडोस्पोर्स की। कई किताबों में आपको यूरेडोस्पोर्स देखने को मिलेगा, कई लोग इसको यूरेडिनियोस्पोर्स भी कहते हैं, ये अलग अलग लोगों के क्राइटेरिया हैं इनको नाम देने के लिए। तो इस तरह से यूरेडोस्पोर्स होते हैं जो कि बाइन्यूक्लिएटेड हैं, बाइसेल्ड इनकी बाई लेयर्ड इनकी वॉल होती है, बाहर की जो वॉल है वो एक्साइन कहलाती है, अंदर वाली जो लेयर है वो इंटाइन कहलाती है, एक स्टॉक इसमें होता है। और जब ये बहुत सारी संख्या में बन जाते हैं ये एपिडर्मिस को रप्चर करके बाहर की तरफ आ जाते हैं और फिर से नई फ्रेश क्रॉप में इनका इन्वेजन होता है। जैसे पहले बताया था कि पक्सिनिया के लेटर स्टेजेस में जब एंड द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन
डार्क ब्राउन से ब्लैक पस्टुल्स बन जाते हैं और वो टीलियोटोस्पोर्स बनते हैं, और इस स्टेज में जो डिजीज की अपीयरेंस होती है वो एक ब्राउन और ब्लैक लॉन्ग पस्टूल की तरह से होती है, जैसा कि पहले वाले डायग्राम में, ए डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है आपको। इसके बाद ये टीलियोटोस्पोर्स का जो स्ट्रक्चर है ये यूरेटोस्पोर्स से बिल्कुल डिफरेंट है, ये बाईसेल्ड स्पोर्स हैं, हर सेल इसकी शुरू में बाई न्यूक्लिएट होती है लेकिन आपस में न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं और अल्टीमेटली ये डिप्लॉइड स्टेज हो जाती है, हर सेल के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो जाता है। इसको अगर डिटेल में आप देखेंगे प्लांट के में जब इसका इन्फेक्शन होता है तो टीलियोटोस्पोर्स इस तरह से ऑरेंज कलर के या डार्क ब्राउन कलर के दिखाई पड़ते हैं। पक्सिनिया में जो टीलियल स्टेज है वो जब कई सारे टीलियोटोस्पोर्स बन जाते हैं तो टीलियोसोराई इस तरह से दिखाई पड़ते हैं, जो पहले वाले पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक बंच के फॉर्म में या झुंड के फॉर्म में टीलियोटोस्पोर्स लगे हुए दिखाई पड़ते हैं और इपिडर्मिस बस्ट हो जाती है, टीलियोटोस्पोर्स बाहर निकल आते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक जो पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पर, इसमें आपको टीलियोटोस्पोर्स डिटेल में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो टीलियोटोस्पोर्स हैं लेटर स्टेज में जब ये जर्मिनेट करते हैं तो इसके अंदर आपको मालूम है कि न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं, कैरियोगेमी टीलियोटोस्पोर्स के अंदर होती है और उसके बाद मियोसिस हो जाती है। मियोसिस होने से चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने और ये चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो होते हैं ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं जिसको एपिबेसिडियम या प्रोमाइसिलियम कहते हैं, और इससे एक ट्यूब फॉर्मेशन होता है और ट्यूब फॉर्मेशन से बेसिडियोस्पोर्स उसमें साइड में बन जाते हैं। बेसिडियोस्पोर्स आपको मालूम है कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हैं और ये या तो प्लस स्ट्रेन के होते हैं या माइनस स्ट्रेन के होते हैं, और ये जब डिटैच होते हैं तो इनका इन्वेजन प्राइमरी होस्ट में होता है, सॉरी सेकेंडरी होस्ट में होता है, ऑल्टरनेट होस्ट में होता है। इसमें ये डायग्राम शो कर रहा है कि किस तरह से प्रोमाइसिलियम बन जाता है या किस तरह से उसमें जर्मिनेशन होता है टीलियोटोस्पोर्स का, और प्रोमाइसिलियम होने के बाद ये इसमें स्टेरिक मेटा बन के बेसिडियोस्पोर्स इसमें बन जाते हैं। बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, हमेशा इनको ज़रूरत होती है बारबेरी की लीव्स की, पक्सिनिया गैमिनस ट्रिटिसाई के फॉर्म के स्पीसीज में, और माइसीलिया इसमें स्प्रेड होते हैं होस्टोरिया के थ्रू, बारबेरी के प्रोटोप्लाज्म से अपना फूड लेते हैं। शुरू में जो माइसीलियम बनता है वो मोनोकैरियोटिक होता है, या तो प्लस स्ट्रेन का होगा या माइनस स्ट्रेन का होगा, और बाद में इसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दो तरह के स्ट्रक्चर्स, अपर साइड में पिकनीटिया जिसको हम स्पर्मोगोनिया भी कहते हैं अपर साइड में, और लोअर साइड में एसिडिया के कप्स बनते हैं जो कि वेंट्रल साइड में बनते हैं। ये डायग्राम आपको क्लियरली शो कर रहा है कि अपर साइड में किस तरह से पिकनीटियोस्पोर्स बन जाते हैं, बहुत छोटे से स्पोर्स, और नीचे की तरफ एसिडियोस्पोर्स बनते हैं। नीचे वाले कप जिसके अंदर एसिडियोस्पोर बन रहे हैं इस बल्ज को हम कहते हैं एसिडियल कप, ऊपर वाले को पिकनीडियल कप कहते हैं। एसिडियल कप्स जो होते हैं वो एसिडियोस्पोर्स बनाते हैं और एसिडियोस्पोर्स हमेशा बीच में छोटी सी सेल से जुड़े रहते हैं, दो एसिडियोस्पोर्स जिसको हम डिसजंक्टर या इंटरकैलरी सेल कहते हैं, जो कि स्टेराइल होती है, और जो बड़े साइज के स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एसिडियोस्पोर्स हैं जो कि बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। एसिडियोस्पोर्स जो एसिडिया और एसिडियल कप्स हैं ये येलो कलर के दिखाई पड़ते हैं, और बारबेरी की लीफ में बड़े उभर के आपको जब मेच्योरिटी इसमें हो जाती है तो बारबेरी की लीफ में इन्फेक्शन आपको एक येलो पस्टूल के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, और इसके बाद जो एसिडियोस्पोर्स बनते हैं ये बाई न्यूक्लिएट ब्राइटली कलर के होते हैं, दे आर ब्लोन बाय विंड, विंड से ये एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, और इसके बाद ये स्टोमेटा के थ्रू हमेशा पेनिट्रेट करते हैं होस्ट में, और इनके जर्मिनेशन से जो एसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से वीट के प्लांट में फिर से साइकिल रिपीट होता है, दे ऑलवेज रिक्वायर वीट प्लांट फॉर देयर जर्मिनेशन। ये पूरा
जो डायग्राम है या पूरा पिक्चर है, ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल शो कर रही है, किस तरह से पांच तरह के स्पोर्स बनते हैं। एसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से बीच में जर्मिनेशन होगा, इसके जर्मिनेशन से यूरेडियम बनेगा, वो यूरेडोस्पोर्स बनाएगा। यहाँ पर कहीं पर यूरेडिनियोस्पोर लिखा है, कभी यूरेडोस्पोर्स लिखा है, ये सब अलग अलग नाम से लोगों ने इनको बुलाया है। तो यूरेडिनियम से यूरेडोस्पोर्स बनेंगे, फिर उसके बाद लेटर स्टेज में टीलियम बनता है जो टीलियोटोस्पोर्स बनाता है, टीलियोटोस्पोर्स फाइनली जर्मिनेट करके बेसिडियम बनाता है, और बेसिडियोस्पोर्स जो बनते हैं वो हमेशा जर्मिनेट करते हैं, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं बारबेरिस वुलगैरिस की लीफ में, और उसके बाद ये साइकिल फिर से रिपीट होता है। इसमें स्पर्मेशिया बनते हैं, पिकनीडियल कप और एसिडियल कप, इस तरह से इसकी पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है इन पांच स्टेजेस के बाद। थैंक यू वेरी मच।